नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और सवाल दिया है 7x/2 + 14 = 7x, तो हमें मान ज्ञात करना है x²/4 + 1/x² का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरे पास दिया है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। क्या है मेरे पास लिखा है 7x + 2/2 + 14 = 7x दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके नीचे जब कुछ नहीं है तब कितना है, 1 दिया है। कितना है, 1 दिया है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कामन दिख रहा है, कितना, 7। इसको हम लिख सकते हैं 7 कामन, जब इससे से हम निकाल देंगे तो यहाँ बचा मेरा x/2 + यहाँ से 7 निकल जाएगा तो 7 × 2 = 14, 2/1 बचा, ठीक है, बराबर 7x हमारा आ गया। ये वाला सात हमारा कट जाएगा। अब क्या बचा, x/2 + 2/1 = इसके ऊपर जब कुछ नहीं तब कितना बचा, 1/x। हमें निकालना है x^2/4। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या कर देंगे, वर्ग निकाल देंगे। सबसे पहले एक और काम करना पड़ेगा हमें, हम करेंगे इस संख्या को पक्षांतर, x/2 - ये संख्या हमारी जब इधर आएगी राइट में, इसका मान जो है चिन्ह इसका बदल जाएगा तो x/2 - का हो जाएगा, बराबर में ये 2/1 था जब उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। 1/2 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग का मतलब इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, x/2 - 1/x वर्ग कर दीजिए, यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लगाओ, और यहाँ भी हम स्क्वायर लगा दें, इसी को हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए सूत्र, ये आता होगा, क्या सूत्र है, a - b² = a² + b² - 2ab, ठीक है। वही सूत्र इस वाले में हम भर देंगे तो हमारा हो जाएगा a का मान है x/2 a² + 1/x, ये b का मान है b² - 2 × a a × 1/b। इस वाले का जब स्क्वायर करेंगे -2 × -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x²(2×4) + 1/x²। ए वाला x कट जाएगा, 2 ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, बराबर -, हमारा प्लस हो जाएगा, 2×4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है x²/4, इसको यही दो मान निकालना था, 1/x²/4 हमारा था ही, 1 जब उधर जाएगा तो हमारा आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो हमारा x²/4 + 1/x² का मान आ जाएगा 4 × 1 = 5, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, और अब वीडियो यार पसंद आए तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है, और मेरे वीडियो को अधिक अधिक शेयर करना, धन्यवाद।